का त्योहार। मियां बीवी की खुशियों की सौगात। सेलिब्रेशन पारस और सौमिता संग। सीरियल गुम है किसी के प्यार में समृद्ध का किरदार निभाने वाले पारस आज मना रहे हैं लोहरी का त्योहार अपनी बीवी संग। भाई पारस पंजाबी मुंडे हैं और ऐसे में बड़ी ही धूमधाम से वो ये त्योहार मनाते हैं। पारस और उनकी वाइफ सौमिता की लव स्टोरी है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी वाली। क्योंकि पारस है पंजाबी मुंडे तो उनकी वाइफ सौमिता है बंगाली बाला। भाई इनकी जोड़ी है लाजवाब और इनकी केमिस्ट्री भी खूब है। वैसे लोहरी के मौके पर आज होगा भांगड़ा, खाएंगे पंजाबी खाना और जानेंगे इनकी लव स्टोरी के बारे में। तो चलिए त्योहार वाले इस डे आउट की करते हैं शुरुआत। लो आ गई लोहड़ी वे और हमारे साथ है पारस और सौमिता, और जो आज सास बहू बेटिया के साथ खास मिलकर लोहड़ी सेलिब्रेशन में शामिल होने वाले हैं। तो क्या क्या होने वाला है, क्या लग रहा है? पहले तो थैंक यू सास बहू बेटियां, आप हमारे पास आए और थोड़ा सा हमारा एक सेगमेंट छोटा सा कर रहे हैं लोहड़ी पे। बहुत बढ़िया त्यौहार है और पंजाबियों के लिए खासकर, बिकॉज एक दिन पहले उसके बाद मकर संक्रांति होती है और ये वाला जो फेस्टिवल होता है, ये जितने पंजाबी लोग होते हैं सब एक साथ मिलते हैं, बॉनफायर करते हैं, फुल्ले रेवड़ी ये सब खाते हैं अपनी अपनी वाइफ्स के साथ, अपने लवर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। तो ये वाला दिन जो होता है हम सबके लिए बहुत खास होता है। मेरी वाइफ है सौमिता, बट वो बंगाली है तो उसको भी इस कल्चर में मैं ढाल रहा हूँ धीरे धीरे करके कि हाँ ये भी चीज़ें पता होना चाहिए। जैसे इसके कल्चर में अडेप्ट कर रहा हूँ तो ये भी थोड़ा बहुत अडेप्ट कर रही है। तो कुछ बोलना चाहो सौमिता, कितना लोहरी क्या आपके हिसाब से अभी तक कितना जान पाई हो? फर्स्ट टाइम तो जैसे फैमिली वालों ने मिलके कुछ किया था तो मुझे मज़ा आया था, क्योंकि आग जलाना वो मैंने टीवी में और फिल्मों में देखा था, स्पेशली DDLJ में भी देखा था ना, तो मेरे लिए एक्साइटमेंट था। तो बस मैंने देखा काफ़ी एंजॉय करते हैं लोहड़ी में, फुल्ले में आग करते हैं और कुछ गीत गाते हैं और तीन चार सर्कल लेते हैं कि हाँ आने वाले दिन जो हैं बहुत अच्छे हों। बिकॉज बेसिकली क्या होता है, ये लोहड़ी जो फेस्टिवल मनाया जाता है बेसिकली ये आने वाले जो हमारे जो रोटेशन होता है अर्थ का, वो बेसिकली डेज लंबे होते हैं तो वो तब स्टार्ट किया जाता है। तो बस वो एक बेसिकली मान्यता है जहाँ पे सब इकट्ठे होके प्यार से गीत गाते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं एक साथ। अपने प्यार डिटेल में पता नहीं था मुझे, अभी पता चला। पंजाबी और खाने का रिश्ता तो मतलब सभी को पता ही है, मतलब सुबह उठो और पराठे ना खाएं और देसी घी ना खाएं तो मज़ा नहीं आता। बट एक चीज़ है, सौमिता के साथ इनके यहाँ कोई देसी घी मिलता जो स्पेशली इसने मेरे को फर्स्ट टाइम खिलाया था, मतलब मैं अपने घर का देसी घी भूल गया, जो इसने मेरे को खिलाया था ना वो हो मैंने कहा हुआ होता है वो, इट्स अ काऊ घी। हाँ तो वो जो खाने मज़ा आया, बट पंजाबीज आर फॉन्ड ऑफ फूड, खाना नहीं मिलता तो दे आर लाइक यार कुछ तो कमी रह गई दिन की, तो खाने से शुरुआत होती है और सोने से भी, सोने से पहले भी खाया जाता है और उठने पर भी खाया जाता है हमारे यहाँ पे तो ऐसा है। तो आज सौमिता का जो है वो पंजाबी रंग में पूरा ढाल देंगे और मस्त, कहते ना खाना पीना खाना शाना, खाना गाना गाना और नाचना वो भी जरूरी होगा। तो खाते हैं कुछ बढ़िया सा पंजाबी स्टाइल में और कुछ नया करेंगे। सुपर एक्साइटेड, खाना देखने को मिलेगा नए नए पंजाबी खाना, क्योंकि मेरे साथ रहते मैं तो बंगाली खाना छोड़ के कुछ खिलाती नहीं हूँ। मेरे साथ ऐसा हो गया कि मम्मी मेरी खैर दिल्ली में रहती है तो पंजाबी फूड में मिस करता हूँ, बट लेकिन मेरे लिए बंगाली फूड ही मेरे लिए एक नया था जो कि मेरे को खाने को मिलता है। देख सकते हैं मेरी मदर इन लॉ ने मेरे लिए स्पेशली पार्टी शॉप्टा ऐसे कहते हैं, तो बंगाली में बहुत फेमस है, जो बंगाली लोग हैं उन लोगों को पता रहेगा कि क्या होता है, बट बहुत टेस्टी होता है। अभी इसको पीठा बोलते हैं, यू नो दैट्स द मंथ है, इसमें हम लोग स्पेशली ये भी नए धान कटते हैं इसलिए हम लोग सारे इसको सेलिब्रेशन करते हैं इसमें। देखो पंजाबियों का लोहड़ी होता है और इनका यहाँ पर पोष पार्व जो भी होता है वो मैं नहीं बोल पाता, कुछ लैंग्वेज स्लैंग का इशू है। तो बढ़िया है, चलो दिन की शुरुआत मीठे से हुई,
तो दिन बहुत मीठा निकलेगा। आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी लोहड़ी। तो चलिए चलते हैं। बिल्कुल चलिए। लोहरी के त्योहार के मौके पर आज ये दोनों जाएंगे इंडिया बिस्ट्रो रेस्टोरेंट में, जहां पर चल रहा है पंजाबी फूड फेस्टिवल। यहां दिखेगा पंजाब का स्वाद। तो चलिए रेस्टोरेंट तक पहुंचने के सफर की शुरुआत करते हैं मियां बीवी संग। सफर के दौरान इस रियल लाइफ रॉकी और रानी यानी कि पारस और शौमिता ने बताई अपनी लव स्टोरी और देखने को मिली इनकी प्यार भरी नोकझोंक। बता दो और कितना टाइम है, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और मेरे को बहुत ज्यादा भूख लग गई है। देखो ऐसा है, जब भी कहीं मियां बीवी कहीं जा रहे हो, स्पेशली डिनर या लंच या ब्रेकफास्ट पे, तभी सबसे ज्यादा ट्रैफिक मिलता है और तब से ज्यादा बीवी कुड़कुड़ करती है, भैया कब पहुँचा रहे हो, कब पहुँचा रहे हो, कब पहुँचा रहे हो। तो सब्र का फल जिसे कहते हैं मीठा होता है, कि वक्त आने में मतलब जगह आने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट लेकिन मैं बता रहा हूँ वर्थ वेट होगा। बट यही होता है कि आज हम दोनों का मौका मिला है, अब वो भी थैंक्स टू सास बहू और बेटियाँ। आप लोगों ने इतना प्यारा सेगमेंट हमारे लिए किया और हमको भी साथ में जोड़ा, और आप भी हमारे साथ जुड़े और एक बहुत बढ़िया जगह पे हमको लेके जा रहे, और हम सब एक साथ तब जाएंगे और वहाँ पे पेट भर के खाएंगे। सुन के और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, और भूख पड़ गई सुन के भी अब। मुझे ऐसा लग रहा था ना कि जब ये फिल्म रिलीज हुई हम दोनों साथ में देख रहे थे, हमें लग रहा था हमारी लाइफ चल रही है, क्योंकि पारस मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम श्योर मेरे घर पे यही फील करता है, और मैं जब इस शादी करके इसके घर पे जो भी टाइम रही हूँ मेरे को भी सेम फील होता था। जो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था ना टेलीविजन मतलब सॉरी मूवी में जो दिखाया है ना, ऐसा लग रहा था ऐसे रियल उठाया है हमारी। अच्छा, लाइफ स्टोरी चल रही थी। हम पंजाबियों के साथ ऐसा होता है कि मोस्टली कि घर पे हैं बच्चे, मम्मी पापा हैं, तो बच्चों को बहुत लाड प्यार से बहुत ज़्यादा प्यार से पालते हैं, और खासकर जो लड़के होते हैं उन्होंने कभी शक्ल तक नहीं देखी होती कि भाई किचन में हाल क्या है या किचन का क्या सिनेरियो, क्योंकि मम्मियाँ हैं सब संभाल लेती हैं, मम्मी हैं, मेड्स हैं, कर रही हैं। मैं जब इनके यहाँ पे गया तब देख रहा हूँ उसके पापा किचन में लगे हुए हैं माँ के साथ, क्योंकि मैंने अपने पापा का कभी ऐसे नहीं देखा कि किचन में गए हों या कभी कुछ किया हो, क्योंकि मोस्टली क्या होता था हम घर आते थे पापा बोलते थे अच्छा ये बनाओ, अच्छा ये ले आओ, अच्छा ये ले आओ, वो ले आओ। अब सेम सिचुएशन वो होती थी। अब इनके यहाँ पे जाओ जितने कोई मिले, अच्छा इनसे मिलिए ये इंजीनियर है, इनसे मिलिए लॉयर है, इनसे मिलिए डॉक्टर है, इनसे मिलिए ये है, इनसे मिलिए वो है, और हमारे पूछो क्या, हाँ बिजनेसमैन है, दुकान है, अच्छा क्या करते हैं, अच्छा एक्टर हैं, अच्छा आप क्या करते हो, हाँ अपना बिजनेस है। जैसे पारस बोला कि चाय पीना है, तो मैंने बोला चाय, पारस को चाय पीना है, मम्मी ने बोला पानी बिठा दिया है, मैंने बोला जाओ बना लो, पारस बोला है, मैंने बोला हाँ बना लो। मतलब लिटरली ऐसा था कि मैं फर्स्ट टाइम गया था, अब मैंने जब नए नए के यहाँ गया था तो मैंने कहा मेरे को चाय पीनी है, तो इन्होंने मेरे को चाय ला के दे दी। मैंने कहा ये क्या है, अब वो चीज़ चाय जो थी वो थी लाल चाय, बिकॉज बंगालीज में दूध वाली चाय पीते नहीं, और हमारा है कि भैया हमें दूध वाली ही चाय चाहिए। फिर मैंने बताया कि भैया मेरे को ऐसे दूध वाली चाय चाहिए स्पेशली, फिर दूध आया, फिर बना, फिर सब कुछ हुआ। हाँ तो बोला मैंने बना लो, तो ये बोलते इसने ये, मैं जब इसके घर पे गई हूँ ना तो मैं भी ऐसे ही देख रही थी कि जैसे सब साथ में डाइनिंग टेबल में रखे, तो मैं देख रही थी पापा ये लोग सब बैठे हुए हैं, एंड पापा वाज लाइक कि रोटी लाओ दाल सब पड़ोस के दे रहे हैं, पड़ोस के दे रहे हैं, तो मैंने बोला ये क्या है सब पड़ोस के क्यों दे रहे हैं। मतलब मेरे यहाँ पे तो ऐसा होता है ना कि जो जिसको जो खाना है सब लेके आ रहे हैं, सब अपने मर्जी से खा रहे हैं, मतलब लाइक ऐसा नहीं होता है कि सब मिलजुल के बांट के ले लेते हैं। तो मैं भी थोड़ा सा फील कर रही थी यार ऐसे मैंने कभी देखा ही नहीं, शायद यहाँ पे ये नया मतलब रूल है। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला नहीं इनका कल्चर ही ऐसा है यार, ये लोग ऐसे ही करते हैं। अब जैसे कि कोई गेस्ट आता है ना, मेरे पापा भी मुझे एक दिन कह रहे थे कि तू प्लेट रख, मेरे जब गेस्ट आता है तो जैसे कि सारे थाली में ना जैसे कि फ्रूट कुछ भी हुआ, ड्राई फ्रूट्स हुआ या कुछ, कोई भी गेस्ट आता है ना उनको ऐसे बार बार उठा के देना पड़ता है। अब मेरे आप लीजिए, पंजाबी स्पेशल ही होता है कि अब जैसे पारस मेरे घर आया तो वो भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे घर पे ऐसा होगा, और इसके घर पे आके टेबल पे रख दिया, और पारस बोल रहे मेरे को तो कोई पूछा, सबने बोला बेटा खा लेना, और सब अपने अपने काम में लग गए, काम में लग गए, मैं बैठा हूँ वहाँ कि जमाई आया तो बैठा है अपना खा पी लेगा, कोई टेंशन नहीं। जब वो आए तो मैंने कहा यार किसी ने कोई पूछा नहीं, सब चाय वाय दे के निकल लिए अपने अपने काम पे। हमारे यहाँ पे होता है कोई अगर जैसे आता है मेहमान आया या कोई
रिश्तेदार आया बैठे हैं, उसके साथ बैठेंगे, चाय पियेंगे, बकायदा उसको 10 बार पूछेंगे, खाना नहीं होगा फिर भी ठुसवा देंगे, लो खा लो। तो मतलब हमारे यहाँ पे ऐसा है ना, सबको कंफर्टेबल रखते हैं, जैसे ऐसा नहीं हो ना हो कि आप किसी के घर पे आए हो तो आपको ऐसा फील हो कि अच्छा मतलब अब इनके हिसाब से, तो हमें लगता है कि आप जैसे हो, आपको जो खाना है खाओ, नहीं मन कर रहा है मत खाओ, कोई मतलब ज़बरदस्ती नहीं है। तो ये फील अब धीरे धीरे जब हम लोग रहने लगे ना एक साथ, तो हमको फिर रियलाइज़ हुआ कि हम दोनों का कल्चर ही अलग है। बट दोनों कल्चर का अपना मिठास है। यहाँ पे अगर हम दूसरे कल्चर को देखते हैं तो हमें लगता है कि यार ये ऐसा है वैसा है, बट लेकिन दोनों में मीठापन बहुत ज़्यादा है। दोनों बहुत स्वीट लैंग्वेजली बोलते हैं, बंगालीज बहुत स्वीट होते हैं, पंजाबी भी स्वीट्स होते हैं, बट वही यही है कि कल्चर जब आपस में मिलते हैं तो वो एक अलग नया कल्चर बन के निकलता है। तो बस वही हमारा जो डेली कॉम्बिनेशन है उसके लिए कौन सा सॉन्ग सबसे ऑप्ट लगता है आपको? अब मैंने शोमिता के प्यार में जितना सीखा है ना, मैं एक छोटा सा कुछ गाना तुम्हारे लिए गा देता हूँ, ठीक है? ओ कलकत्ते वाली बंगाली कवाली, गाने दे मुझे गाने दे मुझे गाने दे, कोई बात नहीं। वो है गाने दे ना गाने दे ना गाने दे मुझे। देखो तुमने सिखा दिया अच्छे से। तो बस हम 5 मिनट के अंदर पंजाब द स्वाद, नाम भी कितना स्वादिष्ट है, पंजाब द स्वाद है, बस हम पहुंचने ही वाले हैं। बस 5 मिनट और इंतजार करिए और फिर हम आपको वहां के चल के बढ़िया से नजारे दिखाते हैं। तो भाई ढेर सारी बातें और मस्ती करते करते हम पहुंच गए हैं इंडिया बिस्ट्रो पंजाब द स्वाद रेस्टोरेंट में, जहां लोहरी के इस मौके पर आज मियां बीवी चखने वाले हैं पंजाबी स्वाद। तो कैसा लगा मेरा तुमको सरप्राइज? अच्छा लगा ना, डेकोरेशन अच्छी लग रही है ना, एकदम रंगीन, पतंगे भी हैं, धान भी है। तो अब थोड़ा सा पंजाबी स्टाइल में जगह भी दिखाते हैं। ओ आ जाओ बल्ले बल्ले, अपा आ गए हूँ इंडिया बिस्ट्रो पंजाब द स्वाद, जहाँ स्वाद है तो खाने में भी स्वाद होगा। भूख लगी है ना बहुत तेज, तो थोड़ा बल्ले बल्ले करते हुए निकल लेते हैं, आ जाओ। ए बुआ, वाकई इस रेस्टोरेंट की वाइब है एकदम पंजाबी। और आज तो पारस अपनी बंगाली बीवी को पंजाबन बना कर ही रहेंगे, उन्हें खिलाकर पंजाबी डिशेस। तो आइए करते हैं ये फूडी डे आउट और मनाते हैं लोहरी का त्योहार पारस और शोमिता संग। अरे वाह, कितनी सारी पतंगे हैं, ये देख के ना मुझे याद आ गया, मैं बचपन में बहुत सारी ना पतंगे उड़ाया करता था और बोलता था कटी पतंग तेरा कौन सा रंग। भाई ऐसे हम गाते थे जब पतंग, हम जब बेसिकली मकर संक्रांति पे हम पतंगे उड़ाते थे, बट लेकिन उससे पहले ही 15 दिन पहले लोग शुरू हो जाते थे पतंग उड़ाने। तो हम पतंग पर जब उड़ाते थे तो बोलते हैं काई पोचे काई पोचे, तो बस ये देख के मज़ा आ गया, अपने बचपन के दिन याद आ गए। पतंग उड़ाने को अगर मिलेगी तो उड़ाएंगे इस बार पतंग, ये चलो। तो पक्का स्वाद आ गया पंजाबियों का, पंजाब स्वाद में आके एक्चुअली स्वाद मिल गया। मोगा मतलब जगह का नाम है, मोगा लिखा हुआ है, दिल विच बल्ले जेट पेट विच मतलब दिल विच बल्ले बल्ले जे पेट विच बल्ले बल्ले, मतलब दिल में भी बल्ले बल्ले हो रही है, पेट में भी बल्ले बल्ले हो रही है, भूख लग रही है बहुत ज्यादा, पता चलता पंजाबी लोग बहुत खाते हैं। तो हुन तू ठंड रख ते लस्सी पी। दिल बोले बल्ले बल्ले, यहाँ सब चंगा जी, मतलब यहाँ पे सब चंगा है, सब बढ़िया है, मतलब सब बहुत बढ़िया है। ओ मक्खन मार के खाओ, मतलब वो सफेद मक्खन मिलता है ना, मतलब मक्की की रोटी सरसों का साग, बस अब मेरे से रुका नहीं जा रहा, मेरे को मक्की की रोटी सरसों का साग खाने का बहुत मन हो रहा है। तो बस बैठ जाओ और शुरू हो जाओ ऑर्डर पे। Thank you.
हम आ गए हैं पंजाब दे स्वाद में और बस हमारी वेलकम ड्रिंक आती ही होगी और वेलकम ड्रिंक या वेलकम जो भी इनका क्विजीन में रहेगा तो क्या है वेलकम है? ओहो पानी पूरी यानी गोल गप्पे जिसे हम मोस्टली वहाँ कहते हैं, बॉम्बे में पानी पूरी बोलते हैं और हमारे उस साइड इसको गुलगप्पे कहते हैं। हमारे में पुचका बोलते हैं। पुचका, पुचका इससे बड़ा होता है। नहीं बट ऐसे ही होता है। और बट ये इंजेक्शन में है, तुम्हें अच्छे से इंजेक्शन ठोकेंगे अभी पंजाबी वाला, तुम्हारे में पूरी पंजाबी औरत बन जाओगी एकदम। हाँ। दो दो कलर है, एक मीठा और एक तुम्हें। आई नो, तो फिर होगा हुण आंदी हूँ, हुण वेंदी हूँ, ऐसी होगा आंदी पांदी जो तुम बोलती रहती हो। हाँ इसमें पूरा पंजाबी तुम्हारे में अंदर आ जाएगा, फिर तुम एकदम बुर्रा करके एकदम ठेठ पंजाबन बन जाओगे। बस अब उसे वो वाला मिक्स कर दो। अब ये वाला मिक्स करो, खट्टा मीठा चाहिए मेरे को। तो मैं बना रही हूँ ना अच्छे से, रुको। लाइफ भी खट्टी मीठी होती है। ज़्यादा करोगे ज़्यादा तीखा बना दूँगी। कोई नहीं। यहाँ की मैं बच गया तो इसके हिस्से की शॉपिंग जो होती है ना मैं अपने लिए करता हूँ अच्छे से। घूमना पसंद है, पसंद है। बाकी लड़कियों का जितना कुछ होता है ना, ज्वेलरी शॉपिंग ये वो, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है। सब कुछ इसको पसंद है। आई एम ब्लेस्ड इन दैट कि जो खर्चा करना करे तुम अपने पे करो, बस मैं घुमाने ले जाओ कुछ भी। और हम घूमने जाते हैं शॉपिंग के बाद। तो गोलगप्पे तो हो गए। हाँ। शौमिता ज्यादा गोलगप्पे नहीं खाती है तो स्टार्टर्स तो हो गए। अब स्टार्टर्स से अगर हम पेट भर लेंगे तो फिर मेन कोर्स नहीं खा पाएंगे ना। मुझे मेन कोर्स खाना है तो चलते हैं मेन कोर्स ऑर्डर करते हैं, क्योंकि इंडियन बिस्ट्रो में अभी कुछ स्पेशल लोड़ी के, लोड़ी स्पेशल पे इनका कुछ एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जो स्पेशल खाना दे आर प्रोवाइडिंग, क्योंकि फेस्टिवल टाइम चल रहा है, लोड़ी है, तो उस हिसाब से हम खाना एक बार इंडियन बिस्ट्रो पंजाब दा स्वाद में बैठ के प्रॉपर ऑथेंटिक तुम्हें खाना मिलेगा। तो बुलाते हैं और ऑर्डर करते हैं बढ़िया सा मेन कोर्स और शुरू करते हैं पेट पूजा। फेस्टिवल मेन्यू है पंजाब दा स्वाद का, बल्ले बल्ले बाइट्स, खाते खाते बल्ले बल्ले बोलना हर बार। हाँ तो इसमें क्या क्या है दिखाओ। सोया चाप जो बहुत मिलती है, बहुत फेवरेट होते हैं स्पेशली नॉर्थ में, जब सर्दियाँ आती हैं तो चाप बहुत बिकती है। हाँ चौक की टिक्की एक आती है जो बेसिकली जैसे हमारे यहाँ पे टिक्की वाली नहीं मिलती, आलू टिक्की है जैसे, जिसमें मकई प्याज दी सिक्खन। इतनी भारी भारी वर्ड क्यों है? क्योंकि भारी लोगों के साथ आई हो ना तुम, तो आज बहुत भारी होने वाला, क्योंकि पंजाबी खाना जो होता है बहुत हैवी होता है। हाँ। तो इसे नाम भी बहुत वज़नदार होता है, तो इसलिए बढ़िया सा कुछ ऑर्डर कर दो। और क्या ऑर्डर करोगे? जो स्पेशल वैसे देखा जाता है जो हमारे यहाँ पर फेमस होते हैं वो होते हैं कुलचे, अमृतसरी छोले कुलचे, तो वो ऑर्डर करते हैं और स्टार्ट करते हैं। एक अमृतसरी छोले कुलचे कर दीजिए। खट्टी मीठी चटनी है, ये छोले हैं, ये अमृतसरी कुलचा है। स्टफ्ड होता है इसके अंदर बहुत कुछ, जब खाओगे तो बस चाटती रह जाओगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। साथ में कुछ पियोगी? लस्सी वस्सी यार बनती है लस्सी वस्सी, तो एक एक लस्सी भी हो जाए मीठी लस्सी। Thank you.
पंजाबी स्पेशल खाना है तो मक्के की रोटी सरसों का साग तो बनता ही है ना, उसके बिना तो अधूरा है। तो चलिए ऑर्डर कर देते हैं बढ़िया सा मक्के की रोटी सरसों का साग। अब आ गया है हमारा सरसों का साग, मक्के की रोटी और सफेद मक्खन। तो अभी तुम्हारे पास इतना भारी भारी सामान है, वो भी सफ़ेद मक्खन, इतना भारी भारी सामान है हमारे पास। सरसों का साग है, मक्की की रोटी, उस पर सफ़ेद मक्खन और आपका एक गुड़ मुँह मीठा करने के लिए, और साथ में आपके प्याज गंडे जो हम वहाँ पर बोलते हैं बुक मार के मतलब कहने का मतलब होता है जो पंजाब में हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं तो वो क्या करते हैं, प्याज को पकड़ते हैं ऐसे रखते हैं और सीधा मुक्का मारते हैं, उसको कहते हैं बुक मार के। और जो स्वाद आता है ना उसका, वो अलग ही स्वाद होता है। कभी ट्राई करके देखना प्याज को लेके उस पर ज़ोर से मुक्का मारना, वो ओपन हो जाएगा, वो खाना उसका जो स्वाद आएगा वो फिर आप अपनी उंगलियाँ चखेंगे और फिर आप हमें याद करेंगे कि यहाँ कोई नई चीज़ बताई है। तो पंजाबी लोग ऐसे करते हैं। मुझे ना ये नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। कौन सा नाम? मिसेस चावलास पनीर काली मिर्च। तुमको पता, तुमने नाम भी इतना बढ़िया चूज़ किया, बिकॉज इंडियन बिस्ट्रो जो भी इनका जो फेस्टिवल जो टाइम चल रहा है उसका ये स्पेशलिटी है उसकी। तो बेसिकली ये आपकी काली मिर्च और पनीर का मिक्सचर है, इस लेगा पराठा और बनाते मिसेस चावला। हाँ, और मिसेस चावला, तो इसे नाम बना दें मिसेस चावला। तो ये एक ले आइए, तो ये प्लीज़ एक लेके आइए। काली मिरी, तो इसके साथ आती है प्याज मिर्च की रोटी और काली मिर्च जो चीज़ वाला जो मिसेस चावला ने बना के भेजा आपके लिए, मेरी मिसेस के लिए। तो देखते हैं, तो स्वाद लग रहा है तो खा भी लेते हैं और स्वाद को चख भी लेते हैं। ठीक है, मैं तो टूटूंगा मक्की की रोटी पे। अभी कहाँ थक गए, अभी एक चीज़ बाकी है, खाना खाने के बाद मुंह मीठा करना भी तो बनता है। और नहीं खा सकती तो मैंने तुम्हारे लिए मंगवाई है फिरनी, जो कि यहाँ पे स्पेशलिटी है। तो फिरनी खाते हैं, मुंह मीठा करते हैं और लोगों को भी थोड़ा सा मुंह मीठा कराते हैं, लोड़ी है। तो जब तक हमारा बढ़िया सा मीठा पकवान आता है, फिरनी आती है, तब तक मैं आपको थोड़ा सा अपने किरदार समरुद से रूबरू करवाता हूँ। आप पारस से तो मिलते ही रहते हैं बट लेकिन वो ऑफ स्क्रीन है, ऑन स्क्रीन वाला जो पारस उर्फ समरुद है उससे भी थोड़ा सा परिचय करा दें। मतलब विलेन, जो मेन विलन है गुम है किसी के प्यार में, तो वो किरदार ऐसा है कि सभी की लाइफ में और उसके परिवार की नाक में तो दम करके रखा ही था, और तो और उसने ईशान को भी नहीं छोड़ा, और ईशान के साथ उसकी बहन ध्रुवा की भी लाइफ में उसने जाके इतना इम्पैक्ट दिया कि पूरे भोसले परिवार और चौहान परिवार वो दोनों हिल चुके हैं कि समरुद भाई है क्या, मतलब उसने ऐसा क्या कर दिया उनकी ज़िंदगी में कि मतलब करने के लिए इतने उतावले हो, इतना उतावला हो गया हूँ शादी करने के लिए, मतलब अब बस मिल जाए कोई भी, सभी मिले, ईशान की बहन मिले, दूसरी बहन मिले, सबके लिए रेडी है। मतलब ये तीसरी बार शादी के लिए वो उतावला हो गया, दो बार तो टूट ही चुकी है, एक बार सभी भागी, फिर एक बार उसने आके ध्रुवा को बचा लिया, अब फिर से वापस से सभी को वो कहता है कि नहीं अब तू मेरे साथ शादी कर। मतलब इतना उतावला अपन शादी का, ऑलरेडी एक लाइफ में रियल शादी कर चुका है लेकिन अभी भी इतना उतावला की ऑन स्क्रीन करनी है। मतलब हो सकता है रियल में उतावले कम नहीं हुए इसलिए तुम्हें ऑन स्क्रीन मिल रहा है ऊपर वाले ने तुम्हारे। मतलब वो कहते हैं ना कि एक से ज़्यादा बेटर और मिल जाए तो अच्छा है ना, मतलब तुम चाहते हो उंगलियां हमेशा कहते हैं ना घी में होनी चाहिए, तो मतलब चाहते हो? नहीं मैं नहीं चाहता, ऑन स्क्रीन समृद्ध चाहता है, समझ में आ रहा है। चलो ये तो हुआ, अब इनसे पूछते हैं, ये देख रही हैं और आप लोग देख रहे हैं, मजा आता है मुझे देखने में,
क्या आपको समृद्ध का करेक्टर कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, ये बताइए। श्योर सबको मज़ा आता है और तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, और मेरे को तुम्हारी मज़े की बात हुई तो फिरनी भी आ गई है, तो तुम्हारे कैरेक्टर के लिए और तुम्हारे लिए बाकी सबके लिए हैप्पी लोहड़ी और फिरनी। अच्छा बहुत बढ़िया मैम। तो बस जैसे हम अपना खाना वाना खा के मुंह मीठा कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप लोग भी इसी तरह से अपने परिवार अपने प्यार वालों के साथ बैठकर खाना खाइए और मुंह मीठा करिए और बढ़िया सी लोड़ी बनाइए और शाम को गिद्दा पाइए। हैप्पी लोड़ी मतलब गिद्दा। अच्छा। बल्ले बल्ले गिद्दा पाइए, ऐसा लग रहा था सो जाइए। नहीं नहीं सोना नहीं है। बढ़िया सा डांस करिए। क्या आप भी बढ़िया सा खाना खाना चाहते हैं तो आ जाइए इंडिया बिस्ट्रो पंजाब द स्वाद जो कि चेंबूर में है, और आके स्वाद भरा लजीज भरा खाना खाइए। और तब तक ना हो तो हमारी ये स्टोरी देख के अपने मुंह में पानी ले आते रहिए। तो मिलते हैं जल्दी, थोड़ा सा मैं भी खा लूँ, बहुत देर से पड़ा हुआ है। वो भी कहेगा कि यार ठंडा हो रहा हूँ, ये तो खा ही चुकी है, मैं भी खा लेता हूँ। त्योहार है तो ऐसे में भंगड़ा और डांस करना तो बनता है ना, तो भाई देखिए कैसे पारस और शौमिता मना रहे हैं त्योहार की खुशियाँ। सिनुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक बार फिर आप सबको लोहड़ी की लख लख बधाइयां। हम तो लेकर ही आते हैं आपके जिंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।